मातमी गुरुहान ये इतला देना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी मरकज अपनी छोटी सी खिदमत लिए सबील का इंतजाम किया है वक्त हुसैन जिंदाबाद के लिए जो किले को रवाना होने वाली है। हम उसके इंतजार में हैं। हमारी सबील पे चाय और दीगर आइटम रखे हैं। वो मोमिनीन की खिदमत के लिए हम हमेशा तैयार हैं इंशाल्लाह। ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ। हम ये सबील पे लगे हैं, ये पानी पिलाते हैं हुसैन के नाम पे। ये हमारा एहतजाज है। कल कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रख के मिसल गोश्त बन के कुर्बानी जुदा कर दिए। हम उसके एहतजाज में कल पानी बन कर देते। हम दिला लियाज मिलत मजहब मिलत चाहे सुन्नी हो शिया हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो बिना इम्तियाज सबको पानी पिलाते हैं खाना खिलाते हैं। कल तक गुल हुआ था उनके एहतजाज में ये सदीना लगाते हैं। आब्दुल खान है पानी पिलाते हैं खाने खिलाते हैं। ये कल हुसैन के बच्चे इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो छोटे नवासे थे उन पर जुल्म ज्यादती हुई उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते हैं। फिर हम एहतजाज करते हैं। हम ये सदीना हमारे आब्दुल खान है और ये खाने खिलाने ये एहतजाज है। ये हुसैन के नाम पर कल क्या देते हैं आज हम उनके नाम पर खिलाते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम है गुलाम पंजतन मोहतमद नशर अशाद मरकजी अंजुमन मातमी गुरहान। ये जो जुलूस पैदल रवाना होता है अलावे सरकस मुबारक से सिले गोलकुंडा बाबुल हवाइज के आशुर खाने के लिए ये तासी है। नजफ अशरफ से जो जुलूस बरामद होते हैं अरबईन में और आशुर में यानी कि पैदल काफिले जो रवाना होते हैं ये उसी की तासी में ये जुलूस है। और जितने मोमिनीन यहाँ पर इस वक्त जुलूस में है परवरदिगार से मैं दुआ करता हूँ कि इन तमाम को आइंदा साल ज़ियारत सैयद व शहदा नसीब हो और ये खैर खूबी से जो है ना ज़ियारत सैयद व शहदा कर वापिस आए। आज ये जो जुलूस है उसके लिए हम जो एहतमाम किए हैं मरकजी अंजुमन मातमी गुरहान की जानिब से ये सबील का एहतमाम किया जाता है और ये कई बरस से सिलसिला जारी है। इस बार ज़ेर सदारत हमारे सदर मोहतरम जनाब सैयद मुस्तफ़ा मूसवी साहब और हमारे साबिका सदर और नायब सरपरस्त सहारा जनाब अब्बास नवाब साहब हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी भी मौजूद है मोहम्मद अली साहब और मजीद अहदेदार भी हमारे साथ मौजूद है और हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार इसको कबूल फरमाए फी अमानिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम। मातमी गुरहान की तरफ से ये सभी लगाई गई है। आज 29 के दिन जो पैदल निकलता है काफिला किले गोलकुंडे के तरफ तो ये दूसरा साल है। इंशाल्लाह हर साल हम लगाने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत से मरकजी अंजुमन मातमी गुरहान ने प्रोग्राम्स निकाले हैं और ज्यादा और अटल वादा है तुझसे ऐ सखी अब्बास के परचम ये दुनिया क्या है महशर को भी हम बेदाज न देंगे। शबीर के मातम पे अगर पाबंदी हो जन्नत में तो ऐसी जन्नत में भी जाने से हम इनकार कर देंगे। आज जो काफिला अलाए सतक मुबारक से निकला है और ये काफिला इंशाल्लाह आशाना ये गोलकुंडा पहुंचकर इस्तेमाल से मंजिल तक पहुंचेगा। बस अफसोस इस बात का है कि आज जो हमारी माँ बहनें सड़कों पर नंगे पांव निकली है तो उनका पैदा सलामत है मगर 11 मुहर्रम को जो काफिला कर्बला से चला था चौथे इमाम के हाथों में हथकड़ियां थी पाँव में बेड़ियां थी गले में तौख था। उस काफिले का इस्तकबाल इस तरह किया गया कि सबके की खजूरें फेंकी गई पत्थर मारे गए। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़्ज़ालिमीन।